त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। 60 विधानसभा सीटों के लिए 259 उम्मीदवारों ने भरा है पर्चा। मतदान के लिए बनाए गए 3,328 पोलिंग स्टेशन, 28 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री माणिक शाह अगरतला में डालेंगे वोट, बीजेपी के लिए साख बचाने की जंग है। त्रिपुरा चुनाव में पहली बार टीएमसी की एंट्री, ममता बनर्जी ने उतारे हैं 28 उम्मीदवार। त्रिपुरा में चुनाव से पहले हिंसा, बिसलगढ़ में कई जगहों पर धमाके, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, देश भर के 1,000 आदिवासी कलाकारों का मेला है। दोपहर 12:55 पर प्रधानमंत्री मोदी आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जल जन अभियान को लॉन्च करेंगे, दिल्ली से वर्चुअली मौजूद। दिल्ली पुलिस रेजिंग डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह, किंग्सवे कैंप में आयोजन। भारत चीन सीमा के लिए आईटीबीपी के साथ नई बटालियन के गठन का फैसला, 9400 नए पदों की घोषणा। बॉर्डर गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज विकास योजना को मंजूरी, 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बीबीसी के दिल्ली मुंबई स्थित दफ्तरों पर नॉनस्टॉप एक्शन, तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी रहने की उम्मीद। बीबीसी के सभी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया आदेश, अगले नोटिस तक घर से ही करें काम। बीबीसी के दिल्ली दफ्तर के बाहर हिंदू सेना का प्रदर्शन, आईटीबीपी के जवान किए गए तैनात। कांग्रेस ने कहा कि बीबीसी ने बीजेपी का 20 साल पुराना इतिहास निकाल दिया, इसलिए परेशान है सरकार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीबीसी सर्वे पर बयान, कहा आयकर विभाग का सर्वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, ये बीजेपी सरकार की राजनीतिक ये बदलाव का है। यूपी के बांदा में सीएम योगी के दौरे से पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का बवाल, मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य का विरोध। पुलिस की मौजूदगी में हंगामा, शटरिंग का सामान, ड्रम और मशीन सड़क पर फेंके गए। रीवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बल्ले से निकली बॉल से कार्यकर्ता जख्मी, कैच लेने की कर रहा था कोशिश। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा, हिंदू राष्ट्र को लेकर संसद में कुछ होने वाला है, सनातन बोर्ड का समर्थन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गए थे बागेश्वर धाम, धार्मिक महाकुंभ में लिया था हिस्सा, मंच से गायकी। भूकंप में तुर्की का हताशा, पूरी तरह मलबे में तब्दील, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में घरेलू गैस की कीमतों में 113% की बढ़ोतरी, आज से नए रेट होंगे लागू।